ये पूरे नेचुरल कलर पेंटिंग जो मैं भी पहले भी बता चुका है इसके बारे में, नेचुरल कलर से बना हुआ है, कभी रिस्टोरेशन नहीं हुआ इसका। और पहले जब महाराजा जीत के आता, कोई सी भी लड़ाई जीत के आ गया ना वो, तो वो आकर यहाँ नीचे खड़े होते थे राजा। फिर ऊपर जो खिड़की है देखो, अभी कोई दिख रहा है वहाँ से, थोड़ा थोड़ा बच्चा दिख रहा है वहाँ से, रानी जी फूल डाल के राजा का स्वागत करती थी फूलों से जीत के आने के बाद में। और बिना जीते आ गया तो फूलों की जरूरत है ही नहीं, आप भी जानते हैं, दुनिया चढ़ते सूरज को नमस्कार तब भी और अब भी। अब आइए अंदर चलते हैं दीवाने खास में। ये नेचुरल कलर का पेंटिंग, और इस पेंटिंग के अंदर देखो फ्रूट बास्केट, मदिरा, गिलास, मतलब ऐसी आकृतियाँ। आज भी ऐसे किसी नेचुरल लोग छूते हैं तो थोड़ा बहुत कुछ हो गया वो ना, देखो ये कितना अच्छा है। और अब देखो अंदर की पेंटिंग, ये पेंटिंग दिखाओ, एक तो ये पेंटिंग और एक आगे का पेंटिंग 24 कैरेट गोल्ड का बना हुआ है, सोना। तो ये जो ब्राउन कलर है ये गोल्ड है, यहाँ से तो ब्राउन दिख रहा है अपने को, और ब्लू कलर है, ब्लू सफायर, एक नीलम होता है नगीना उसका कलर है। इसकी खासियत यह है कि जैसे अपन यहाँ से देख पा रहे हैं तो ये ब्राउन ही लग रहा है, लेकिन अपन महल के अंदर एंट्री करेंगे तो ये शाइनिंग होके गोल्ड पूरा दिख जाएगा। आइए आप इस देखो, इसको दिख रहा है ना गोल्ड। उस जमाने के आर्किटेक्चर, ऐसे ऐसे आर्टिस्ट थे उस जमाने में, कंप्यूटर था नहीं, फिर भी देखो देखते ही बनते इनकी आकृतियाँ। और इस वाले का गोल्ड यहाँ से दिखेगा, यहाँ जाओ, आ जाओ। ये 24 कैरेट नेचुरल गोल्ड का पेंटिंग, हाँ जी। और अब अपन चल रहे हैं दीवाने खास में, आइए। ये दीवाने खास, और ये खूबसूरत गार्डन है ना, इसका नाम है मुगल बाग, और चार बाग भी बोलते हैं क्योंकि ये चार बागों में डिवाइड है। ऐसे सीधी लाइन है, फिर एक ऐसी आड़ी लाइन है। इसके अंदर जो स्टार बना हुआ है मिडल में, वहाँ पर फाउंटेन चलते थे उस जमाने में भी। आइए थोड़ा आगे आओ। महारानी जी बाहर नहीं जा सकती थी, दीवाने खास है तो हमेशा अंदर ही रहती थी। अगर अपन किसी को भी मान लो अपने को ही कोई ज़्यादा देर अंदर अंदर रखेंगे कितना रह पाएंगे, इरिटेशन बढ़ेगा। इसलिए राजा ने रानी जी के लिए बगीचा बनवा दिया कि मैडम यहाँ घूम लीजिए, बाहर तो जाना था नहीं, तो ये रानी जी के लिए बनवाया गया था। और राजा रानी दोनों ही घूम लेते थे मॉर्निंग एंड इवनिंग वॉक। और इसके अंदर कहने को जश्न भरा जोध अकबर का गाना भी शूट हुआ था यहाँ, हाँ जी। आप चल रहे हैं, इसका जो मेन अट्रैक्शन है आमेर महल का, यह है शीश महल। इसका निर्माण कराया था मिर्जा राजा जयसिंह जी ने, मान सिंह जी के पोते ने, और उनके दो रानी थी, एक सूरज कंवर और एक चंद्र कंवर। दोनों रानियों के लिए दो रूम बना रखे हैं, जो सामने देखेंगे वो कमरा दिख रहा है वो एक रानी का है, सूरज कंवर का, और उधर की तरफ दूसरी रानी है, और बीच में राजा रहते थे, क्योंकि अगर रानियों को साथ रख दिया तो लड़ाई होने का खतरा बना रहता था, तो महाराज रिस्क नहीं लेते थे, पहले अलग अलग रखते थे। यहाँ पर्दे लग जाते थे, पर्दों का जो कुंदे दिख रहे हैं ना, फिर इसके नीचे, हाँ, तो इसके नीचे तेल के दिए जलाए जाते थे, यहाँ पर तेल के दिए जलते थे, और जो वो लाइट होती थी उसका रिफ्लेक्शन इस कांच में ऐसे आता था जैसे तारे। अभी मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ, ये कांच बेल्जियम का है, बेल्जियम से लाए थे उस जमाने में। आओ, नाउ सी सेंटर ऑफ द सीलिंग, कैन यू सी स्मॉल स्मॉल स्पार्कलिंग लाइट फ्रॉम माई मोबाइल। ये देखो मोबाइल का जो ये फ्लैश लाइट है ना, वो स्पार्कलिंग हो रही है ऊपर कांच में, देखा आपने। और अब सामने देखो दीवार में, पहले इस महल को वर्ल्ड हेरिटेज में ले लिया गया है यूनेस्को में 2013 में। 2013 से पहले ये खुला हुआ था शीश महल, इसके अंदर भी जाते थे, अंदर जाकर नेचुरल तरीके से मोमबत्ती से दिखाते थे, लेकिन उसके बाद में यूनेस्को होने के बाद में बंद कर दिया बिल्कुल, क्योंकि यहाँ कुछ लोग ऐसे आते हैं, ये मैं तो ये कहूँगा एक प्रजाति होती है, वो प्रजाति कोयला लेकर चलती है अपने साथ, और वो दिल का निशान बनाएंगे, नाम लिखेंगे कौन किससे प्यार करेगा, इसकी वजह से ये बंद हो गया। देखो अब नहीं जा सकते, अब यहाँ आइए सर। ये पूरा एक मार्बल का पीस है, इसको ऐसे कार्विंग करके छेनी और थोड़े से एक पौधा बनाया गया है, दो तितलियाँ हैं, और देखो पत्तियों को कैसे मोड़ दिया, केवल छेनी है थोड़े के बल पर। अब इसके अंदर सो मनी डिजाइंस है, कितनी डिजाइन है वन बाय वन दिखा रहा हूँ। अब यहाँ देखो आप, ये बिच्छू दिख रहे हैं, स्कॉर्पियन डिजाइन बिच्छू, ये केकड़ा क्रैब, नाग नागिन फन उठाए हुए हैं दोनों, ठीक है, हाथी का सूंड,
शेर की पूंछ, ये नीचे वाला, और ये मछली, ये तितली हो गई, ये मधुमक्खी हनी भी, हिरण का सिर, बारहसिंगा, चींटी और हाथी का कान, ऐसी डिजाइनें होती है। और ये जो मार्बल है सेम ऐसा ही मार्बल ये है, लेकिन इसके अंदर हार्ड वर्क किया गया, नारियल का छिलका होता है, कोकोनट ग्रास, उससे ऐसे रगड़ रगड़ के पॉलिश की गई थी। इसमें 6 वर्ष का समय लगा है इसको पॉलिश करने में, और ये इतना स्मूथ हो गया, आप हाथ लगा के देखें कितना ठंडा और चिकना है। इसके अंदर ओरिजिनल देखो, यहाँ इधर आओ आप, ओरिजिनल मार्बल की पहचान देखिए आप, लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है हर पार पत्थर में से, ऐसा उस जमाने में। यह है मुगल आर्किटेक्चर, ऐसा दरवाजा बनाया, ऊपर ये लगाया, ये मुगल इस्लामिक आर्किटेक्चर हो गया। आगे आए, यह है हिंदू आर्किटेक्चर, हिंदू आर्किटेक्चर, तो ये तो राजा का हो गया निवास, और दोनों रानियां दोनों तरफ हो गई। यहाँ पर जितने भी सैलानी आते हैं वो कांच में फोटो लेके जरूर जाते हैं। वैसे देखो, अगर आप मेरे को कांच में दिखाएं तो देखो, इसमें देखना मेरे को, इसकी तरफ करो, हाँ अब मैं दिख रहा हूँ ना कैमरे में, देखो कैमरे में मैं आ रहा हूँ कांच में, सही है ना। ऐसे सैलानी आप फोटोग्राफी भी करके जाते हैं। ऊपर देखो कितने तरीके से जड़ा हुआ है, इसकी खासियत कैसे होती है, जैसे अपन ये सोचते हैं कि एक लाइट सब में प्रकाश कर देगी, नहीं, अलग अलग लाइटें होगी, जैसे एक लाइट यहाँ हो गई, एक वहाँ हो गई, एक वहाँ हो गई, और अपन यहाँ से चलेंगे ऊपर देखते हुए चलेंगे, तो देखते देखते वो लाइट आगे से आगे चमकती हुई दिखेगी, ये नहीं कि यहाँ से अपने को एक साथ पूरा दिख जाएगा। बहुत ही स्टाइल से, टेक्निक से किया गया है। 1639 में इसका निर्माण हुआ था, 6 साल लगे थे इनको बनने में। आइए जरा बात,